हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 ऑफ BSOS 184। यूनिट 3 का नाम है फिल्म मेकर एंड द फिल्म रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग एथिक्स। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फिल्म मेकर एंड सब्जेक्ट। यानी कि फिल्म मेकर और वो जिस सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, इस पे आप लिख सकते हो कि फिल्म मेकर जो है वो एक मूवी के लिए कैसा होता है। लाइक द टर्म फिल्म मेकर इज यूजुअली रिफर्ड टू एज द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऑफ अ मूवी। ये बात तो ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द फिल्म फ्रॉम द बेसिक आइडिया टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। बिल्कुल, क्योंकि वही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बेसिक आइडिया से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए। इन दिस रिगार्ड द फिल्म मेकर्स मस्ट हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देयर सब्जेक्ट्स। तो जो भी वो सब्जेक्ट दिखा रहे हैं उसके साथ उनका रिलेशनशिप फ्रेंडली होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो उसमें कंफर्ट हो, है ना। ऐसा ना लगे कि मतलब कोई फोर्सफुली वो ये मतलब मूवी कर रहे हैं। तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप उनका जो है सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। द फिल्म मेकर्स एडमिट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। जो भी वो सब्जेक्ट करेंगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो खुद लेंगे, उसके जिम्मेवार वो खुद रहेंगे। फॉर कन्वेइंग द सब्जेक्ट्स द फिल्म मेकर यूजेस द फिल्म एज इट्स मीडियम एंड फॉर एक्टर द थिएटर इज इट्स मीडियम। तो सब्जेक्ट को बताने के लिए फिल्म मेकर के लिए जो फिल्म होता है वो उसका मीडियम होता है। उसी तरह से अगर एक एक्टर की बात करें तो उसके लिए उसका मीडियम होता है थिएटर। थिएटर उसके लिए वो मीडियम होता है जिससे वो ऑडियंस तक अपनी एक्टिंग्स के जरिए क्या कर सकते हैं ना, जो भी संदेश देना चाहते हैं वो पहुँचा सकते हैं। द लाइफ ऑफ अ फिल्म मेकर डज नॉट सीम टू बी वेरी ईजी एज देयर आर सो मेनी चैलेंजेस अपियर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री। द ऑब्वियस चैलेंजेस आर लाइक हाउ टू पोर्ट्रे द सब्जेक्ट्स ऑफ द फिल्म। बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं फिल्म मेकर को डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त, जैसे कि सब्जेक्ट को वो कैसे कैसे एक एक रूपरेखा दे, व्हाट टू शूट एंड व्हाट नॉट टू शूट, क्या शूट करें क्या ना करें, हाउ टू एडिट सो दैट द फिल्म इज ट्रू टू इट्स टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, व्हेनेवर अ फिल्म मेकर इज़ वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री और कल्चर। अगर वो फॉरेन कंट्री या कल्चर के ऊपर फिल्म मेकर कोई फिल्म बना रहा है फिर तो ये उसके लिए और भी चैलेंजिंग हो जाता है ना, कि कैसे वो वहाँ के पीपल को दिखाए, सेंसिटिविटी और डिग्निटी क्या हो उस जगह की, उस वक्त की, उनके एक्सपीरियंसेस की। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज उनके लिए होता है जब वो फॉरेन कंट्री या फॉरेन कल्चर के ऊपर जो है कोई फिल्म बनाते हैं। सो द रिलेशनशिप बिटवीन फिल्म मेकर एंड द सब्जेक्ट इज़ द हार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, है ना। कि रिलेशनशिप कैसा है सब्जेक्ट और फिल्म मेकर के बीच में, ये वो हार्ट होता है फिल्म का। सो इट इज़ द फिल्म मेकर हु मेंटेन्स द बैलेंस विद द सब्जेक्ट्स। इसलिए फिल्म मेकर ही होता है जो क्या करता है ना, सब्जेक्ट को मेंटेन करता है, बैलेंस बना करके चलता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेरियस एथिकल इश्यूज इन फिल्म मेकिंग एंड एथिकल चैलेंजेस फॉर द फिल्म मेकर्स। फिल्म बनाते वक्त उन्हें एथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं और एथिकल चैलेंजेस क्या आते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि एथिकल वर्ड यहाँ पे क्यों आया। एक्चुअली एथिक्स से एथिकल हुआ है ना। तो एथिक्स क्या है अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, तो ये एक थ्योरी या सिस्टम है जो क्या करता है ना, अ थ्योरी और सिस्टम डीलिंग विद वैल्यूज रिलेटिंग टू द ह्यूमन कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ सर्टेन एक्शंस एंड टू द गुडनेस एंड बैडनेस ऑफ द मोटिव्स एंड एंड्स ऑफ सच एक्शंस। यानी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या है, यही सब होता है एथिक्स। तो फिल्म बनाना है तो एक फिल्म मेकर के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसे कौन कौन से यू नो रूल्स फॉलो करने चाहिए, यही होता है एथिक्स। जैसे कि अगर एक टीचर है, टीचर की मैं एथिक्स की बात करूं तो क्या आता है कि टीचर पहले खुद उतने उनका पर्सनालिटी वैसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उन्हें देख के एडमायर करे, है ना। अगर टीचर खुद ही उनके अंदर वैसा पर्सनालिटी नहीं होगा, वो खुद हम्बल नहीं रहेंगे, तो स्टूडेंट क्या सीखेंगे।
टीचर कितना भी बोलता रहे, लेकिन जब तक उनका, अब जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें देख करके जितना वो सीखते हैं वो बात से क्या सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर वो खुद ही मतलब हम्बल पर्सनालिटी रखते हैं तो स्टूडेंट्स आसानी से वो चीज़ को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ ही बहुत अदर एथिक्स इसमें हैं, तो उसी तरह से फिल्म मेकर को फिल्म बनानी है तो उनको भी बहुत सारे एथिक्स जो है मानने पड़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है फिल्म मेकर का कोड, एक्चुअली क्या होता है। तो एक सिंपल भाषा में आप एथिक्स की बात करें तो ये है कि एक नैतिकता क्या होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, अगर वो किसी भी फील्ड में है तो उस फील्ड को लेके क्या सही है क्या गलत है ये सब की जानकारी उसे होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग उसी रूल के हिसाब से वो अपना जो है वर्क उसे करना चाहिए। तो ये होता है एथिक्स, यानी कि जो एथिक्स में रह के वर्क करता है वही सही है। अगर अनएथिकल हम हो जाएंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, यानी कि वो अपने ड्यूटी से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मतलब नाइंसाफी कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अनलाइक जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग हैज़ लार्जली बीन कंसीडर्ड एज एन इंडिविजुअल एंड फ्री लैंस एफर्ट, है ना। मतलब जर्नलिज्म के जैसा ये नहीं है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में ये बड़ा ही क्या होता है ना, इंडिविजुअल बेस्ड होता है और ये एक फ्री लैंस एफर्ट होता है कि फिल्म मेकर एकदम फ्री है, इंडिविजुअली वो करता है। लेकिन जब वो बड़े बड़े आउटलेट के लिए वर्क करता है ना, डिस्कवरी के लिए करता है, नेशनल जियोग्राफिक के लिए करता है, या PBS यानी कि द पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के लिए करता है, तो यहाँ पे फिल्म मेकर को जो है उसकी जो खुद का जो फ्री इंडिविजुअलिटी है उसे कहीं ना कहीं हर्ट किया जाता है, तो उसे जो है उसको अनएथिकल मतलब होने के लिए फोर्स भी किया जाता है। जो सबसे ऊपर होते हैं ना बड़े बड़े वो लोग उनके जजमेंट पे इनको वर्क करना पड़ता है, तो उनसे इन लोग मतलब फिल्म मेकर को गाइडेंस लेना पड़ता है। जो भी कन्वर्सेशन फिल्म फेस्टिवल्स में होता है वहाँ से बोला जाता है कि आप हमने जो कहा ये इसके ऊपर आप ऐसा कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अनएथिकल उन्हें बना देता है। तो ये एक इशू है हमारा, जब फिल्म मेकिंग कोई करता है तो फिल्म मेकिंग में फिल्म मेकर को इस तरह के इश्यूज आते हैं। इसी तरह से बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, एथिकल चैलेंजेस की हम बात करेंगे तो देयर आर सो मेनी एथिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय फिल्म मेकर्स ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर्स। बहुत प्रेशर उनमें पड़ता है तब जा कर के एथिकल चैलेंजेस बहुत होते हैं उनमें आते हैं। क्या होता है ना, ड्यूरिंग अ सर्वे, एक सर्वे के दौरान क्या बोला गया, मेनी ऑफ द फिल्म मेकर्स हैव कन्फेस्ड दैट ड्यू टू कमर्शियल प्रेशर्स पर्टिकुलरली इन द केबल बिजनेस दे हैव मेड डिसीजंस व्हिच दे कंसीडर देम एज अनएथिकल। एक सर्वे के दौरान ये पाया गया कि बहुत सारे फिल्म मेकर ने ये कन्फेस किया है कि कमर्शियल प्रेशर की वजह से, खास करके केबल बिजनेस के जरिए, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे डिसीजंस ऐसे लेने पड़े हैं जो अनएथिकल थे, जो उनके प्रिंसिपल के जो है अगेंस्ट थे। और कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, जहाँ पे जो मेकर होता है वो लो कॉस्ट देता है और प्रोडक्टिविटी उसे ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर ऑन मेकर्स टू लोअर कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फिल्म मेकर्स फाइंड देमसेल्व्स इन सिचुएशंस वेयर दे नीड टू बैलेंस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेंस्ट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। तो ऐसे क्षेत्र में उन्हें एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके ऊपर आती है फिल्म मेकर के ऊपर कि वो सब कुछ बैलेंस कर सके, है ना। तो अगर हम कहें कि इस तरह के चैलेंजेस और इस तरह के इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, तो ये सबका आंसर है एथिक्स। एथिक्स इज द आंसर और द सोल्यूशन इज द एथिक्स। अगर कोई एथिक्स को पकड़ के रखता है तो वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, वो सब कुछ बैलेंस कर सकता है। तो सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज एथिक्स इज द आंसर फॉर ऑल दिस चैलेंजेस। फिर एक फिल्म मेकर का कोड क्या होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री में एथिक्स ऑफ कोड क्या होता है। तो कोड क्या होता है ना, कोड ऑफ फिल्म मेकर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट अ फिल्म मेकर हैज़ टू फॉलो, ऐसे प्रिंसिपल जिसे फिल्म मेकर को फॉलो करने हैं, ये उसके लिए उसका कोड है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स व्हिच इज़ गुड एंड व्हिच इज़ बैड टू परफॉर्म इन रिगार्ड ऑफ हिज ड्यूटी ऑफ फिल्म मेकिंग। ड्यूटी उसकी, उनके फिल्म मेकिंग की ड्यूटी में क्या सही है क्या गलत है,
ये सब एक्सप्लेन करता है, उनका कोड एक्सप्लेन करता है। तो 12 कोड ऑफ फिल्म मेकर जो है मैंने लिखे हुए हैं, और आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पे 12 जो फिल्म मेकर के कोड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में। अब देखिए, फिल्म मेकर को क्या गेटकीपर कहा जा सकता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा? तो गेटकीपर कौन होता है ना, गेटकीपर्स आर पीपल हु रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज एंड नॉलेज, एंड डिटरमाइन व्हाट बिकम्स अ पर्सन्स सोशल रियलिटी, अ पर्टिकुलर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। गेटकीपर वो पीपल होते हैं जो इंफॉर्मेशन फ्लो को, लैंग्वेज को, नॉलेज को, इन्हें रेगुलेट करते हैं, और एक पर्सन का सोशल रियलिटी क्या है उसे डिटरमाइन करते हैं, और साथ ही पॉइंट ऑफ व्यू से, यू नो, पर्टिकुलर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के व्यू से क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इस चीज़ को मतलब डिटरमाइन कराते हैं। तो वो होता है गेटकीपर। तो बिल्कुल हमारे फिल्म मेकर भी ऐसा ही करते हैं। सो यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस, येस द फिल्म मेकर्स आर गेटकीपर्स इन अ लार्ज एक्सटेंट। बट लेकिन अगर जो सब्जेक्ट फिल्म का जो है वो रियलिटी नहीं रहता है, तो तब वो फिल्म मेकर को हम गेटकीपर नहीं कह सकते। सो इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म डजंट हैव दैट रियलिटी, देन द फिल्म मेकर कैनॉट बी डिटरमाइंड एज अ गेटकीपर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका भी आइडिया मैंने आपको दे दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कोड 12 जो कोड है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। इसके साथ ही यूनिट 3 टोटली कंप्लीट हो जाता है, कुछ इसके बाहर और क्वेश्चन नहीं है। बाकी के यूनिट मैं प्रिपेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग एंड कीप सपोर्टिंग।